होगे, बार बार क्वेश्चन को रिवाइज कर रहे होगे। और यहाँ पर एक बात और मैं कहूँगा कि अगर रिवाइज नहीं कर रहे हो तो किसी का कुछ नुकसान नहीं कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हो। इसलिए चाहे वो चैलेंजर सीरीज़ हो, चाहे मास्टर सीरीज़ हो, चाहे ये प्रैक्टिस सीट हो, सारे क्वेश्चन जितना हो सके उतना बार बार आप रिवाइज करें, उतना नज़दीक आप पहुंच जाएंगे नीट के और एक अच्छी रैंक के साथ आप निकलेंगे। बायोलॉजी केमिस्ट्री 11th बायोलॉजी केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जिन लोगों को ज्वाइन करना है या कोई जानकारी लेनी है, नंबर दिया हुआ है, हमसे बात कर सकते हैं। इसी प्रकार से 12th बायोलॉजी और केमिस्ट्री की भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जिन लोगों को ज्वाइन करना है, बगैर टाइम बर्बाद किए तुरंत ज्वाइन करें। और ये क्लासेस चाहे वो 11th हो चाहे 12th हो, नीट के बेसिस पर टीच की जाएंगी, जैसे 12th के साथ ही आपका सिलेक्शन ईजिली हो जाए, यही मेरा उद्देश्य होगा। करोना वायरस को देखते हुए 8th, 9th, 10th की भी क्लासेस स्टार्ट हैं। नविता गुड इवनिंग। और जिन लोगों को अपना बेस स्ट्रांग करना है मेडिकल में जाने के लिए या जेई में जाने के लिए, वो तुरंत बैच ज्वाइन करें। और हमारा टारगेट, आपका टारगेट, दोनों का एक है, नीट 2021 को क्रैक करना। आज हम प्रैक्टिस सीट 40 कराने जा रहे हैं, 39 करा चुके हैं आपके सामने, और आपने रिस्पांस भी अच्छा दिया है। वरुण गुड इवनिंग, सुप्रीत गुड इवनिंग। तो अगर चैनल के ऊपर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को अपने अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिए, क्योंकि आज का पहला क्वेश्चन बहुत जल्दी आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। क्वेश्चन सही करने के लिए ये एडवाइस मैं हर पेपर में दे रहा हूं, लेकिन आप मान नहीं रहे हैं। क्वेश्चन कायदे से पढ़िए, उसके बाद आपको आंसर देना है, गलतियां कम से कम करें। अभी से दिमाग के अंदर अगर ये बात फीट कर लोगे तो नीट में आप एक अच्छा स्कोर खड़ा करोगे। रवि राजन गुड इवनिंग। और आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके लिए चल चुका है। आज का पहला क्वेश्चन आ रहा है, ये रहा पहला क्वेश्चन। अ ग्रुप ऑफ प्लांट आर एनिमल विथ सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक इज क्या कहलाती है, क्वेश्चन नंबर 1। और नविता वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट आंसर सही है। वरुण वेरी गुड, टैक्सोन कहा जाता है। और सभी का आंसर सही है, रवि सही, सुप्रीत सही, तो टैक्सोन कहा जाता है, वेरी वेरी गुड, सही आंसर आप सभी ने दिया। क्वेश्चन नंबर 2, विच सिमेट्री इज फाउंड इन सी एनिमॉन, सी एनिमॉन में कौन सी सिमेट्री पाई जाती है, बायरेडियल, ए सिमेट्री, स्फेरिकल, पेंटामेरस। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारी स्क्रीन पर आ चुका है और गलत आंसर है, सभी का आंसर गलत है। स्फेरिकल सिमेट्री होती ही नहीं है नविता, स्फेरिकल सिमेट्री कुछ होती ही नहीं है, तो आपका आंसर है बायरेडियल सिमेट्री, बायरेडियल सिमेट्री पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट आंसर सही है, 2 का फर्स्ट आंसर सही है, बायरेडियल सिमेट्री। क्वेश्चन नंबर 3, बायरेडियल सिमेट्री सही आंसर है नविता, षष्ठी बहुत दिन बाद आई हो तुम। वरुण सही आंसर, स्नेहल सही आंसर, और आयशा बहुत दिन बाद दिख रही हो। नविता फिर से आपका आंसर गलत है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड आंसर सही है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड आंसर सही है नविता, वेरी वेरी गुड। वरुण सही, अर्पासन सही, स्नेहल सही, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड आंसर सही है।
क्वेश्चन नंबर चार, विच आर द फॉलोइंग इज अ सीलेंटेट। पहला सी लिली, सी पेन, सी फेदर, सी माउस। क्वेश्चन नंबर चार का सेकंड आंसर सही। नविता वेरी गुड। स्वप्रीत, अर्पासन सही आंसर। चार का सेकंड आंसर सही है। सी पेन क्या है? सीलेंटेट है एक। स्नेहल सही, वरुण सही, रवि सही, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर पाँच, फ्लेम सेल आर एक्सक्रीटी ऑर्गन्स। सीलेंटेट, प्लेटियल मेंथिस, एनिलिडा, इकाइनोडर्मेटा। क्वेश्चन नंबर पाँच, नविता वेरी गुड। पाँच का सेकंड आंसर सही। प्लेटियल मेंथिस, सिमरन ईरानी, स्नेहल, रवि, अर्पासन, सबके आंसर सही। क्वेश्चन नंबर पाँच का सेकंड आंसर सही। स्वप्रीत सही आंसर, वेरी गुड। वरुण सही आंसर। राउंड वर्म डिफर फ्रॉम प्लेटवर्म इन हैविंग स्यूडोसिल कैविटीज, सर्कुलर मसल लेयर, डार्सल नर्व कार्ड, सर्कुलेटरी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर छः का फर्स्ट आंसर सही। नविता सही, सिमरन सही, अर्पा सही, रवि सही, स्नेहल, स्वप्रीत, वरुण, सभी के आंसर सही। छः का फर्स्ट आंसर सही, क्योंकि स्यूडोसिल कैविटी राउंड वर्म में पाई जाती है, प्लेटियल मेंथिस में नहीं पाई जाती है, वेरी गुड। ऐसा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवन, हाउ मेनी नंबर ऑफ लेबियम इन काक्रोच। काक्रोच में लेबियम का नंबर कितना है? वन टू, वन पेयर, टू पेयर, कितना है लेबियम का नंबर कितना होता है काक्रोच में? नविता वेरी गुड। सेवन का फर्स्ट आंसर सही। लेबियम कितना होता है? वन। लेबियम का नंबर वन होता है। नविता को कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए अपने आंसर को, स्वप्रीत गलत आंसर, स्नेहल गलत आंसर। क्वेश्चन नंबर सात का फर्स्ट आंसर सही है। फर्स्ट आंसर सही है वरुण और स्नेहल। स्वप्रीत तुमको पढ़ाया भी है, फिर भी गलत किया है। नविता सही। इस माउथ, स्वप्रीत और स्नेहल दोनों लोगों को माउथ पार्ट पढ़ाया है काक्रोच के, फिर भी आज क्वेश्चन पूछा, दोनों का गलत आया है, वेरी गुड। आठ, सात का फर्स्ट, अच्छा क्वेश्चन नंबर आठ, आठ का फर्स्ट आंसर सही है। सी हेयर किसे कहते हैं? एप्लीसिया के कहते हैं। और सभी के आंसर सही हैं। एट का फर्स्ट आंसर सही, वेरी वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर नाइन, ट्यूब फीट आर करेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ स्टार फिश, केटल फिश, क्रैब फिश, जेली फिश। ट्यूब फीट किसका करेक्ट पाया जाना, किसका करेक्टर है? क्वेश्चन नंबर नाइन, ट्यूब फीट आर करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ, देखते हैं क्या तुम लोग बताते हो। नविता सही है, वेरी गुड। ये इकाइनोडर्मेटा का करेक्टर है और स्टार फिश इकाइनोडर्मेटा में आती है। नविता, स्नेहल सही आंसर, वेरी गुड। और कैरी मेंटी सही आंसर, वरुण सही आंसर, वेरी गुड। सेमरा नरानी, स्वप्रीत, अर्पासन सभी के आंसर सही हैं। नाइन का फर्स्ट आंसर सही, स्टार फिश, वेरी गुड, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर दस, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स इज मैन, स्नेक, पिजन, केटल। देखते हैं दस का। नविता सही आंसर, स्नेहल, सिमरन ईरानी, मतलब स्नेक जो है वो कोल्ड ब्लडेड है। दस का सेकंड आंसर सही, वेरी वेरी गुड। आयशा, अर्पासन, वरुण, स्वप्रीत, कैरीमेंटी सही आंसर है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11, इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट डू नॉट अकर्स इन।
इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट किसमें नहीं पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 11, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, लोअर प्लांट्स या हायर प्लांट्स, आपको बताना है। इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट किसमें नहीं पाए जाते हैं? प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते हैं, यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, लोअर प्लांट्स में पाए जाते हैं, हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते हैं। और प्रोकैरियोट्स में कौन आता है? बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। उसके बाद देखा जाए डेस्मोसोम आर कंसर्न्ड विद, डेस्मोसोम्स का संबंध किससे है? पेरेंट्स, वेरी गुड अर्पासन, सही, वेरी वेरी गुड रवि, सही। क्वेश्चन नंबर 13, द लेटेस्ट मॉडल फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, और स्नेहल सही आंसर, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है? लेटेस्ट मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, लेटेस्ट मॉडल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, मतलब 13 का फर्स्ट आंसर सही, वेरी गुड सर सही है, फर्स्ट आंसर सभी का सही है। सेमिलन रानी वेरी गुड, 14 का थर्ड आंसर सही, स्नेहल सही, नविता सही, वेरी गुड, 14 का थर्ड आंसर सही है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अर्पासन सही आंसर, रवि सही आंसर। वरुण सही, 14 का थर्ड, 16 को थ्रू द सेल मेम्ब्रेन इट, देखते हैं क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का गलत आंसर है सिमरन हैरानी, क्या कहलाता है? परमीएज कहलाता है, मतलब 15 का सेकंड आंसर सही है, लाइपेस नहीं है, एंजाइम दैट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन इट, तो परमीएज सेकंड आंसर सही है, नविता का सही आंसर, बाकी सबका गलत। नविता वेरी गुड, 15 का सेकंड आंसर सही, परमीएज। क्वेश्चन नंबर 16, पंद्रह का सेकंड सही है, 16 फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसे कहते हैं? 16 का थर्ड आंसर सेमिरन, स्नेहल, सुप्रीत, सबके आंसर सही हैं, 16 का थर्ड वलून सही, वेरी गुड, थर्ड आंसर सही है। अर्पासन सही, नवित कहते हैं। 17 क्वेश्चन, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल इस, सेल साइकिल की करेक्ट स्टेजेस, सिमरन रानी सही। इस मिश्रा क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत है। 17 का फर्स्ट आंसर सही है। 18 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वरुण सही, अर्पासन सही। एंजाइम विच हेल्प इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आर, कौन सा एंजाइम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में हेल्प करता है? साइटोक्रोम, आइसोमेरेस, क्रेब साइकिल, वेरी गुड, बिल्कुल आंसर सही है, 18 का फर्स्ट आंसर सही है। वरुण, प्रत्यूष, स्नेहल, सभी के आंसर सही हैं, 18 का फर्स्ट। नाइनटीन क्वेश्चन, विजडम टीथ इन मैन आर, मनुष्यों में विजडम टीथ का नंबर कितना है? 19, वेरी गुड, 19 का फर्स्ट आंसर सही, सुप्रीत, नविता, स्नेहल, नविता, सुप्रीत, अर्पा, रवि, वरुण, प्रत्यूष, 19 का फर्स्ट आंसर सही है, 4 होते हैं, बिल्कुल सही आंसर, 19 का फर्स्ट आंसर सही। 20 क्वेश्चन,
आरक्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट विल बी। रवि सही, वेरी गुड। वरुण सही आंसर, 20 का फर्स्ट आंसर, 20 का फर्स्ट आंसर सही। 21 क्वेश्चन, सोच समझ करके जवाब देना है, थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। थोड़ा जल्दी करिए आंसर, बहुत टाइम ले रहे हो भाई। 21 क्वेश्चन, स्नेहल बिल्कुल सही आंसर है, 21 का फर्स्ट आंसर सही, वेरी गुड। 21 का फर्स्ट आंसर सही। 7 सही, अर्फा हसन सही, वरुण सही, वेरी गुड। सभी के आंसर सही। नविता सही, वेरी गुड। और 22 क्वेश्चन, स्नेहल सही आंसर, 7 सही आंसर, फोर्थ आंसर सही है। 22 का फोर्थ आंसर, सुप्रीत सही आंसर, अर्फा हसन सही, नविता सही, वेरी गुड। 22 का फोर्थ आंसर सही है। फोर्थ आंसर सही, नविता वेरी गुड। 23 फोर्थ आंसर सही, बिल्कुल सही। 7 सही, वरुण सही, वेरी गुड। अर्पासन सही, वेरी गुड। 24 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन फर्स्ट आंसर सही है, सही है। 24 गलत है, 24 का फर्स्ट आंसर सही। 7 नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम है, नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम है, आंसर सही। रवि सही, अजगर अली सही, वेरी गुड। 25 का सेकंड आंसर सही है। 26 क्वेश्चन सॉल्व करके उसके बाद आपको आंसर देना है।
टाइम लगता है, लग जाने दीजिए, लेकिन आंसर आपको सही देना है। वरुण गलत आंसर है, वरुण गलत आंसर है। स्नेहल गलत आंसर। अर्पासन गलत आंसर है। सेकंड आंसर सभी का गलत है। 26 का सेकंड आंसर सही है। 1 मीटर सभी का गलत है। 26 का सेकंड आंसर सही है। ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? 0, इनफिनिट, वेरी लेस, इंडेफिनिट। 27 इसमें समय नहीं लगना चाहिए था। और अर्पासन सही आंसर है। नविता सही आंसर, वेरी गुड। 27 का सेकंड आंसर सही। सिमरन सही, स्नेहल सही, वरुण सही, पूर्णिमा सही आंसर। 27 का सेकंड, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 28, कायदे से सॉल्व करना, उसके बाद आपको आंसर देना है। अ कॉनकेव मिरर गिव्स एन इमेज 3 times एज लार्ज एज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 centimeter फ्रॉम इट फॉर द इमेज टू बी रियल द फोकल लेंथ शुड बी। फोकल लेंथ हमसे पूछी गई है और देखते हैं क्या करते हो तुम लोग। 28 क्वेश्चन और वेरी वेरी गुड सिमरन हिरानी, 28 का सेकंड आंसर सही है। वेरी गुड, 28 का सेकंड आंसर सही, वेरी वेरी गुड। 29 क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सर्टेन ग्लास 5 हूज वेवलेंथ इन वैक्यूम इज 6000 एंगस्ट्रॉम द वेवलेंथ ऑफ दिस लाइट व्हेन इट पास थ्रू ग्लास। अगर ग्लास से लाइट पास की जाती है तो वेवलेंथ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 29, देखते हैं क्या लोग तुम लोग लगाते हो। और स्नेहल बिल्कुल सही आंसर, 29 का फर्स्ट आंसर सही। अजगर अली सही आंसर, नविता सही आंसर, वेरी गुड, पूर्णिमा सही। व्हेन अ लाइट वेव्स गोस फ्रॉम एयर इन, थर्टी वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 31 का सेकंड आंसर सही, नविता सही, सिमरन सही, स्नेहल सही। 31 का सेकंड आंसर सही है एयर।
वेरी वेरी गुड वरुण, सही आंसर। 31 का सेकंड अर्पासन, सही आंसर, वेरी गुड। सौप्रीत, सही। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 32, सौप्रीत, सही। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज 1.5×10⁸ मीटर पर सेकंड, इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया है। 32 क्वेश्चन, नविता गलत आंसर, स्नेहल गलत आंसर 32 का। नविता, स्नेहल, सुप्रीत सबके आंसर गलत। वरुण गलत आंसर। पूर्णिमा गलत। 32 का सेकंड आंसर सही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? 6, मतलब सेकंड आंसर सही है। सब लोग फिर से सॉल्व करके देखना, सेकंड आंसर सही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड होगा 32 का सेकंड। अर्फा गलत आंसर, सिमरन ईरानी गलत आंसर। हाँ, 32 का सेकंड आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 33, एक बार फिर से चेक करके देखिए। 33 क्वेश्चन, स्नेहल एक बार फिर से लगा के देखना। अ कट डायमंड स्पार्कलेस बिकॉज ऑफ इट्स। 33 क्वेश्चन, स्नेहल गलत आंसर। एक बार सिमरन फिर से सॉल्व करके देखना। 33 क्वेश्चन भी सभी का रंग है, किसी का सही नहीं। 33 का सेकंड आंसर सही है। सिमरन ईरानी का सही, अर्फा हसन का सही, नविता का सही, पूर्णिमा सही, वेरी गुड। 33 का सेकंड आंसर सही है। 34 क्वेश्चन, 33 का सेकंड आंसर सही। वरुण सही, स्नेहल सही, पूर्णिमा सही। 34 क्वेश्चन आ चुका है। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज हाफ इट्स वेलोसिटी इन एयर एफ रे ऑफ लाइट इमर्जेस फ्रॉम सच अ मीडियम इन टू एयर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच इट विल बी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड इज। 34 क्वेश्चन, नविता सही आंसर, वेरी गुड। रवि कश्यप बहुत दिन बाद आए हो। अर्पा सही, सभी के आंसर सही। सिमरन सही, स्नेहल सही, सभी के आंसर सही हैं। 34 का सेकंड आंसर सही, वेरी वेरी गुड। 35 क्वेश्चन, क्वेश्चन कायदे से रीड करके सॉल्व करके तब आंसर दें। और 35 का फर्स्ट आंसर सही है। वरुण वेरी वेरी गुड, स्नेहल वेरी गुड, कम्युनिकेशन 35 का फर्स्ट आंसर सही। नविता सही आंसर और पूर्णिमा सही, सभी के आंसर सही हैं। वेरी वेरी गुड, 35 का फर्स्ट। 36 क्वेश्चन, नीट एस्पिरेंट सही आंसर, रवि कश्यप बहुत दिन बाद आए हो भाई। 35 का फर्स्ट, सिमरन ईरानी सही। 36 का भी फर्स्ट आंसर, सिमरन ईरानी सही, स्नेहल सही, नविता सही, वेरी गुड, वरुण सही। 36 का फर्स्ट, सुप्रीत सही आंसर, नीट एस्पिरेंट सही आंसर 36 का फर्स्ट, गेमिंग सही आंसर 36 का फर्स्ट, वेरी गुड। और रवि कश्यप सही आंसर। थर्टी सेवन क्वेश्चन,
Which of the following is a pure peroxide? और सिमरन वेरी गुड 37 का सेकंड आंसर सही है BaO2 प्योर पराक्साइड अर्पा सही रवि राजन सही नीट एस्पिरेंट सही रवि कश्यप सही वेरी गुड सभी के आंसर सही है 37 का सेकंड आंसर सही है बेरियम पराक्साइड एक ट्रू पराक्साइड है 38 क्वेश्चन वरुण सही आंसर टू रिमूव लास्ट ट्रेसेस ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल द मेटल यूज्ड सोडियम पोटेशियम कैल्शियम एल्यूमिनियम देखते हैं क्या लगाते हो तुम लोग 38 गेमिंग गलत आंसर सुप्रीत गलत सिमरन ईरानी बिल्कुल सही आंसर नविता गलत आंसर 38 का थर्ड कैल्शियम मेटल मिलाते हैं स्नेहल सही आंसर कैल्शियम मेटल मिलाते हैं ध्यान दीजिए फर्स्ट नहीं है एस्पिरेंट सोडियम नहीं मिलाते हैं कैल्शियम मिलाते हैं वरुण सही आंसर वेरी गुड पूर्णिमा सही गेमिंग सिमरन 39 का थर्ड आंसर सही वरुण सही स्नेहल सही वेरी गुड 39 का थर्ड आंसर सही है लिथियम विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल फॉर्म ओनली द नॉर्मल ऑक्साइड M2O ऑन हीटिंग इन एयर केवल लिथियम बनाता है और कोई नहीं बनाता है तो 39 का थर्ड आंसर सही है वेरी गुड और 40 नंबर का क्वेश्चन इसका फर्स्ट आंसर सही है स्नेहल सही सिमरन सही सुप्रीत सही वरुण सही गेमिंग सही पूर्णिमा चौधरी सही आंसर 40 का फर्स्ट आंसर सही है Na2CO3.10H2O अर्पासन सही आंसर नीट स्पेरिंग सही आंसर 40 का फर्स्ट आंसर नितिन टनवार बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है 40 का फर्स्ट आंसर रवि कश्यप सही आंसर 41 क्वेश्चन तो 40 का फर्स्ट सभी ने दिया है वेरी गुड 41 क्वेश्चन का नविता सही आंसर रवि कश्यप गलत सुप्रीत सही 41 का थर्ड आंसर सही है थर्ड आंसर सही है स्नेहल पांडे गलत आंसर 41 का थर्ड आंसर सही है पूर्णिमा गलत आंसर सिमरन सही आंसर 41 का थर्ड आंसर सही है एस्पिरेंट सही अर्पासन सही वेरी गुड वरुण सही सभी के आंसर सही आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42 द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन ऑर्थोजाइलीन इज ऑर्थोजाइलीन में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 42 क्वेश्चन और नविता वेरी वेरी गुड सुप्रीत सही सिमरन सही फोर्थ आंसर सही है 18 सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं फोर्थ आंसर सही वेरी वेरी गुड बहुत अच्छे जवाब दे रहे हो स्नेहल सही वरुण सही मतलब 42 का फोर्थ आंसर सही है 18 सिग्मा बॉन्ड ऑर्थोजाइलीन में पाए जाते हैं वेरी गुड रवि सही नितिन गलत आंसर 43 क्वेश्चन 43 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सही सही आपको जवाब देना है 43 का सुप्रीत गलत नविता गलत 43 का गलत सबका है वरुण गलत आंसर 43 का फोर्थ ऑप्शन सही है नितिन तनवार का सही आंसर फोर्थ ऑप्शन सही है 43 का फोर्थ ऑप्शन सही है 1.4
एन ए वी एन अपान डब्लू, 1.4 वी एन अपान डब्लू मतलब फोर्थ आंसर सही है 43 का फोर्थ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, अ मिक्सचर ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड एसीटोन कैन बी सेपरेटेड बाय, मिक्सचर को कैसे सेपरेट करते हैं। वरुण गलत, सिमरन गलत, 44 सभी का गलत आ रहा है। डिस्टिलेशन के द्वारा अलग किया जाता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा। 41 का फर्स्ट आंसर सही है डिस्टिलेशन, 41 का फर्स्ट आंसर सही है डिस्टिलेशन के द्वारा मिथाइल अल्कोहल और एसीटोन को सेपरेट करते हैं। फर्स्ट आंसर सही है डिस्टिलेशन, सही करिए। फोर्टी फोर का फर्स्ट आंसर सही है और 45 का भी फर्स्ट आंसर सही, सिमरन रानी बिल्कुल सही आंसर, फर्स्ट आंसर सही है। वुड्स रिएक्शन कहा जाता है, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, वुड्स रिएक्शन। 45 फर्स्ट आंसर, वेरी वेरी गुड। सभी का आंसर सही है 45 का। वेरी गुड। 46 क्वेश्चन, नविता वेरी गुड, सही आंसर, स्नेहल सही, सिमरन रानी सही, क्रैकिंग कहलाता है। 46 का फर्स्ट आंसर वरुण सही, पूर्णिमा चौधरी सही आंसर, वेरी गुड। रवि कश्यप सही, सुप्रीत कलौजिया सही। 46 का फर्स्ट आंसर अर्पा सही। 47 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव मेथेन ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। 47 का फर्स्ट आंसर सही है, सुप्रीत सही आंसर। जब एल्युमिनियम कार्बाइड पर वाटर की रिएक्शन होती है तो मेथेन बनता है, सिमरन ईरानी सही आंसर। ये पॉइंट, ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट। वरुण सही, स्नेहल सही, वेरी गुड, पूर्णिमा सही, एस्पेरेंट सही आंसर, अर्पा सही। शेप ऑफ एथाइलीन मॉलिक्यूल इज, एथाइलीन का शेप कैसा है, सुप्रीत गलत, सिमरन गलत, नविता का सही। नविता तुम्हारा आंसर सही है, प्लेनर, कैसा शेप होता है, प्लेनर। 48 का थर्ड आंसर सही है। वेरी गुड, रवि सही आंसर, एस्पेरेंट सही, अर्पासन सही, वरुण सही, सिमरन सही। 48 का थर्ड प्लेनर। फोर्टी नाइन क्वेश्चन, पोल्यूटेंट फ्रॉम मोटर कार एग्जॉस्ट वेज काजेस मेंटल डिसऑर्डर इज, 49 का थर्ड आंसर सही है पीबी, 49 का थर्ड आंसर सही है, सभी का आंसर गलत। ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए, अर्पासन सही आंसर, बाकी सबके आंसर गलत हैं। पीबी
लेड होता है पॉल्यूटेंट फ्रॉम मोटर कार एग्जॉस्ट वेस्काजेस अ मेंटल डिजीज इस। तो मोटर कार के में कौन सा पॉल्यूटेंट होता है एग्जॉस्ट में? पीबी होता है। मतलब थर्ड आंसर सही है। अरपा हसन ने सही जवाब दिया, बाकी सबके जवाब गलत हैं। 50 क्वेश्चन। फिफ्टी क्वेश्चन। सुप्रीत गलत आंसर। ये क्वेश्चन ठीक इसके पहले अभी अभी कराया था, फिर भी गलत किए हो। सेमरन हैरानी का सही आंसर एयर पोल्यूशन होता है। स्नेहल सही। रवि कश्यप गलत। नविता गलत। लेट काजेस एयर पोल्यूशन। असगर अली सही आंसर। लेट क्या करता है? एयर पोल्यूशन काज करता है। अभी अभी इसके पहले क्वेश्चन यही कराया था कि मोटर कार के एग्जॉस्ट से कौन सा पोल्यूटेंट निकलता है, तो लेट मैंने बताया था। उसी को देखिए बदल करके क्वेश्चन मैंने दे दिया और आपने गलत कर दिया। जल्दी बताइए किसके कितने सही किसके कितने गलत। तो 50 का सेकंड आंसर सही है। नविता बायो में एक, केमिस्ट्री में दो, फिजिक्स में जीरो। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रही हो। वेरी वेरी गुड। सिमरन बायो में एक, केमिस्ट्री में एक, फिजिक्स में दो। वेरी गुड। अरफा हसन वेरी गुड, अच्छा कर रहे हो। सिमरन तुम्हारे फिजिक्स में दो कैसे गलत हो गए? फिजिक्स तो काफ़ी स्ट्रांग है तुम्हारी। स्नेहल बायो में दो, फिजिक्स में एक, केमिस्ट्री में एक। बायो में दो गलत कर किए हो, नहीं गलत करना चाहिए था। इसको सिमरन फिर से लगा करके देखना। बायो वरुण वेरी गुड, केमिस्ट्री में दो गलतियां हो गई। अच्छा एस्पिरेंट 35 क्वेश्चन किए हो, वेरी गुड। सिमरन इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करके देखना। ओके सभी को गुड नाइट।